नमस्कार दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको 100 क्वेश्चन रिवीजन करवा चुका है। अब यहाँ से 101 नंबर के क्वेश्चन से आप लोग चलिए रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 3 तारीख कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? तो आपका आज, ठीक है, 1 तारीख, 2 तारीख आपका आज और कल बचा है, 3 तारीख आपका लड़ाई जंग का दिन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? 101 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है? फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स का उत्पादन का क्या कारण है? 101 नंबर का जो आपका 101 नंबर का जो आंसर बनेगा आपका पिनिंग बनेगा, खरोच फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स का उत्पादन। खरोच चिप्स कैसे कोई जॉब है, और जब उस पर फाइलिंग करते हो, ठीक है, जब उस पर कोई फाइलिंग करते हो तो जाहिर सी बात है फाइल के बीच में ऐसे दांते कटे होते हैं, तो इसके जो चिप्स होते हैं इसके अंदर फंस जाते हैं, वही कहा जा रहा है पिनिंग अप कण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, यहाँ पर 102 की, इस छेनी का नाम बताइए। भैया ये छेनी है और चित्र बताया गया है कि इस छेनी का नाम बताइए, ठीक है? तो 102 का बी हो जाएगा आपका, वेव छेनी इसको बोला जाता है। कौन सा छेनी? वेव छेनी बोला जाता है। 103 की बात करते हैं, क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी सी उतलता दी जाती है? 103 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। 103 का यहाँ देख लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किनारे की खुदाई से बचाने के लिए। हैमर आप देखे होंगे, ये आपका बीच में चीक होता है, ये आपका हेड होता है, और ये नीचे वाला पॉइंट होता है। तो इस फेस की बात कर रहा, हल्का सा यहाँ ऊंचा दिया जाता है, ठीक है? तो क्यों दिया जाता है? कि किनारे की खुदाई से बचने के लिए। खुदाई कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिजिंग इंक्रेज मतलब कोई भी जैसे कि क्षतिग्रस्त पार्ट ना हो, इसलिए उसको ऐसा किया जाता है, ठीक है। 104 नंबर की बात कर लेते हैं, कह रहा है इस हथौड़े का नाम बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 104 का सी हो जाएगा आपका। अब सी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप देख सकते हैं क्रॉस पिन है, ठीक है, ये क्रॉस ऐसे ही है, स्ट्रेट में रहेगा तो ऐसे रहेगा, हैंडल के समान रहेगा, ठीक है। तो ये 104 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 105 हमारा क्या कह रहा है। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? चिपिंग करते समय अक्ष और जाब के सतह के कोण का बीच एंगल पूछ रहा है। 105 का डी आपका हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 106 नंबर का, तो 106 नंबर क्या कह रहा है हमारा। यह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थाई विकृति की अनुमति नहीं देती? धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थाई विकृति नहीं देती, ठीक है, कोई अस्थाई विकृति नहीं देती, इन दोनों में से नहीं होगा। 106 का अगला देखते हैं, एक सौ छः का सी हो जाएगा, भंगुरता हो जाएगा, ठीक है, कोई विकृति नहीं देती तो वो भंगुरता होता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। 107 नंबर की बात कर लेंगे, यहाँ पर 107 कह रहा है कि गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम बताना है। यहाँ जो है एक्स के रूप में उसके चिन्हित भाग का नाम बताना है। 107 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है वो आपका लॉक लगा हुआ है, ठीक है। 108 की बात कर लेते हैं, 108 की बात करेंगे, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। 108 का हो जाएगा ए आपका, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? एनलिंग के लिए, के किस लिए? एनलिंग के लिए, ठीक है। हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं, ठीक है। चैम्फर जैसे क्या होता है, हल्का सा उसको जैसे चौकीलेदार है तो हल्का सा यहाँ पर ये ग्राइंडिंग कर देंगे तो ये चैम्फर जैसा हो जाएगा, ठीक है। चैम्फर किए जाते हैं, चैम्फर द लीड्स को चैम्फर करेंगे, किस लिए? अनलिंग के लिए। अनलिंग एक प्रक्रिया है, वो भी ध्यान दीजिएगा, हीट ट्रीटमेंट में इसको पढ़ा दिए हैं, जाकर आप देख सकते हैं वीडियो। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम है, कोई इमेज है? 109 नंबर में चलते हैं।
लो 109 का ये हो जाएगा आपका, 109 का हो जाएगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। कौन सा? पिलर ड्रिलिंग मशीन। पिलर है, आप देख सकते हैं यहाँ लंबाई पूरा है क्या, पिलर पे ही तो ठीक है। एक सौ दस की बात करते हैं, इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश का रीडिंग क्या होगा? ब्रिटिश है, देखो भाई मीट्रिक नहीं है यहाँ पे, यहाँ ब्रिटिश है, ठीक है। तो ब्रिटिश भी आपको कन्वर्ट करके बताएं कैसे कैसे ये लिस्ट काउंट निकाला जाता है, कैसे रीडिंग निकाली जाती है। तो 110, 109 के क्या था हमारा, 100 कितना, ये 10, 109 का ए पिलर ड्रिल मशीन हो गया, 110, 110 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है। 110 का आपका सी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 0.359, 0.359, 110 का सी हो जाएगा 0.359। एक सौ ग्यारह की बात करने वाली है बाबा, प्रोडक्ट की सटीकता क्या है? सटीकता पूछ रहा है। 111 का सी हो जाएगा 5 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 डिग्री। इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है? 112 नंबर पूछ रहा है, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है? 112 नंबर का बात कर रहा है, तो रीडिंग क्या है देख लेते हैं। 12 का डी हो जाएगा आपका 35.50 हो जाएगा, क्या इतना, 35.50। बनियर का भी आपको बना के बता के दिखा दिया हूँ, उस पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो देखेंगे तो आज या कल में देखते हैं। तो बनियर कैलिपर माइक्रोमीटर का फिर से लिस्ट काउंट एक बार बना के दे देंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर की बात कर लेते हैं, क्यों सतह प्लेटों को मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? क्यों क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट प्लेटों के बने होते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? 113 का सी हो जाएगा आपका, विकृति को रोकने के लिए, विकृति मतलब क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए, डिस्ट्रेशन होने के लिए ये सब किया जाता है। 114 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है 114, कह रहा है समायोज्य, समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? 114 का आपका डी हो जाएगा, ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। कह रहा है यहाँ पर मैंने एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर जॉब को रख के जो भी ऑपरेशन करना रहता है हम लोग करते हैं, पैरेलल जॉब इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स जैसा होता है, ये भी एक बॉक्स जैसा होता है, इसके ऊपर जॉब के रख के हम जो भी ऑपरेशन क्रियाएँ करना रहता है करते हैं। 115 की बात करते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग है आवश्यक सही पोजीशन पर सब स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? 115 गड़ी हो जाएगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज एक मार्किंग सरफेस गेज के साथ एक यूनिवर्सल सरफेस गेज है, के कह रहा है कि किस भाग का आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए क्या होता है, स्क्राइबर सेट करने की बात कर रहा है। तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का जो एरिया होता है वहीं पे ये सब हम लोग करते हैं स्क्राइबर। 115 समाप्त हुआ, 116 पे चलते हैं। 113 नंबर की बात कर लेते हैं, यही कह रहा है कि क्यों सतह प्लेट मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं, जो कास्ट आयरन के क्यों बने होते हैं अच्छी सतह वाले, ठीक है। तो विकृति को रोकने के लिए, क्या कह रहा है, विकृति को रोकने के लिए, तो 113 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, क्या कहा जा रहा है 114 नंबर की, समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के मुख्य लाभ क्या होता है? कह रहा लाभ क्या होते हैं, लाभ हमको बताइए। तो 114 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए। ये क्वेश्चन लग रहा है कि भैया रिपीटेड हो गया है क्या, चलो लग रहा है हो गया है रिपीटेड, कोई बात नहीं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? किस भाग का, यूनिवर्सल सरफेस गेज में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 15 का डी आपका हो जाएगा, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ओके रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यहाँ 116 नंबर पर आ जाते हैं, 116 का सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें तो 1000 mm हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 का, 116 का सी हो जाएगा। 117 में चलते हैं,
117 कह रहा है कि इस भी ब्लॉक का नाम क्या है, इस भी ब्लॉक का, ये भी देखना, ये भी देखना, ये ध्यान से देख के तब मारना आंसर। अगर यहाँ पे दो रहेगा कुछ और बदल जाएगा, यहाँ पे इसके जैसे यहाँ पर भी अंदर रहेगा तो भी बदल जाएगी, ये ध्यान देना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो 117 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल वी ग्रुप, सिंगल वी ग्रुप ये हो गया, सिंगल लेवल ये हो गया, ठीक है, सिंगल लेवल है, सिंगल वी ग्रुप है, ये ध्यान देना तब आंसर करना, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। 118 संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यहाँ यहाँ वाला भाग का नाम बताना है। तो 118 के बी हो जाएगा आपका स्क्राइबर है, ये अंदर जो लगा है वो स्क्राइबर होता है, क्या लगा होता है, स्क्राइबर लगा होता है। 119 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, राउंडर बार की केंद्र की खोजन के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, राउंडर बार केंद्र की खोजन के लिए किस कैलिपर का, तो 19 का बी हो जाएगा, जेनी कैलिपर, गोलजापा सेंटर निकालने के लिए कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। 19 का बी, 120 चलेंगे, चौराहे छेनी में अल्फा और चिन्हित कोणों का नाम बताएं, अल्फा बेटा गामा वाला इसके पहले भी बताए थे, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। 120 का डी हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, निकासी कोण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, निकासी कोण हो जाएगा। 121 नंबर कहते हैं घुमावदार घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, 121 का डी हो जाएगा आपका, हाफ राउंड नोज चीजल, कौन सा हो जाएगा, हाफ राउंड नोज चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल। अगला कह रहा है कि मार्किंग उद्देश्य के लिए लिए प्रयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना होता है, हथौड़े का वजन कितना होता है, यहाँ पर 122 का कह रहा है कि 250 ग्राम से ले, हाँ ठीक है 250 ग्राम दोनों है, सही है दोनों का, 122 का बी आपका सही हो जाएगा, 122 का बी हो जाएगा, और इसके पहले आपका क्या था, 121 का डी हो जाएगा, हाफ राउंड चीजल, ठीक है। 123 कह रहा है वीकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, वीकर्ण कोई फाइल है उसके अनुचित तरीके क्या है, वीकर्ण फाइल का 123 का ये हो जाएगा आपका, 123 का ये असमान फिनिश सतह, वीकर्ण फाइल है तो असमान फिनिशिंग सतह आएगा, ठीक है। 124 चलते हैं, 124 क्या कह रहा है कि वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग में अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, वेल्डेड ज्वाइंट है, ठीक है ये ध्यान देना, और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, 124 का ये हो जाएगा, फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाएगा, कौन से चीजल का, फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं 125 नंबर का, तो 125 कह रहा है कि इस फाइल का नाम बताइए, इस फाइल का नाम बताना, 125 कह रहा है कि ये फाइल हो जाएगा रोटरी फाइल, इसका इस नाम क्या रहेगा, रोटरी फाइल इसका नाम दिया जाएगा। 126 की बात कर ले, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है, कोई फाइल है उसके फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। 26 का देख लेते हैं क्या आंसर सही हो रहा है हमारा, 26 का सी हो जाएगा, पेनिट्रेशन और पिनी को कम करने के लिए, पेनिट्रेशन तथा पिनी को कम करने के लिए। चलिए अगला बात कर लेते हैं, 127 नंबर क्या कह रहा है, 127 कह रहा है देखिए, 127 कह रहा है फाइल पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है, फाइल पिच ब्लेड, फाइल फाइन पिच, सॉरी यार फाइल नहीं है, फाइल फाइन 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 पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है, फाइन पिच, फाइन मतलब एक फाइन होता है, वेरी फाइन होता है, एक कोर्स होता है, एक मीडियम होता है, ये चार होते हैं, ठीक है ये ध्यान देना, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या होता है। तो 127 का डी हो जाएगा, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फाइन पिच का ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, कंड्यूट तथा अन्य पतले पाइपों की सीटों को काटने के लिए। अगला है M10 × 1.25 कह रहा है की के लिए टैपिंग का साइज गणना करें, 128 नंबर का ये हो जाएगा, 8.8 मिलीमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि M10 मतलब मेजर डायर 10 का है, ठीक है, तो 1.25 के लिए टैपिंग करना है, तो उस पर टैप साइज़ की गणना करें, मतलब टैप साइज़ कितना लेंगे, तो 8.8 मिलीमीटर वाले लेंगे, कितना हो जाएगा, 128 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 129 की बात करते हैं, एक ड्रिल में फ्लूटेट्स के बीच का भाग का नाम क्या है, एक ड्रिल में फ्लूट से फ्लूटेस के बीच का भाग का नाम क्या है, 129 का बी आपका हो जाएगा, वेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेव हो जाएगा, फ्लूट्स है, कह रहा है एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच का भाग का नाम बताइए, ठीक है, तो 129 का बी ऑप्शन हो जाएगा, वेव हो जाएगा, फ्लूट्स के बीच में होते हैं तो वेव होता है। इस वर्नियर वाइवा प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है, 130 नंबर की बात कर लेते हैं, रीडिंग पूछ रहा है, तो 130 का जो आंसर हो जाएगा सी आपका हो जाएगा, 157 डिग्री 30 मिनट, 157, इसको निकाल के दिखा देंगे वीडियो में, बताएं दोस्तों जाके वहाँ देख लेना, ठीक है।
नहीं टाइम मिल जाएगा तो सारे जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं मैं सारा को इकट्ठा एकत्रित करके बता दूंगा आपको, ठीक है। अगला है तुम्हारा, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करेगा, एक समान दबाव। 131 का डी आपका सही हो जाएगा, रैचेट स्टाफ। ये रैचेट स्टाफ जो होता है बाहरी माइक्रोमीटर कौन सा भाग कह रहा है कि भाग मापने के सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, तो रैचेट स्टाफ होता है। कौन सा होता है तो रैचेट स्टाफ होता है। 132 की बात कर लेते हैं, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइडिंग और इंटरग्रल पार्ट है। 132 का ए हो जाएगा, जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 132 का जा हो जाएगा, ठीक से 132 का जा हो जाएगा। चलिए अगला है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। यहाँ कह रहा है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत, भाई सिद्धांत पूछ रहा है। 133 का बी हो जाएगा, स्क्रू और नट हो जाएगा। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, स्क्रू और नट का, और कैसे कार्य करता है तो नट बोल्ट की तरह कार्य करता है, ठीक है। 134 की बात कर लेते हैं, 134 हमारा कह रहा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा। तो 134 की बात कर रहा है, तो 134 का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, एक्सटेंशन राड के एक सेट के द्वारा। एक्सटेंशन मतलब कोई भी गहराई है उसके अंदर एक्सटेंशन राड डाल देंगे, डेप्थ राड, डेप्थ माइक्रोमीटर ये इस तरह कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो उसमें डेप्थ राड डाल के उससे पता कर लेंगे, एक्सटेंडर राड के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, आपका 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 135 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 135 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, 135 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।